नमस्कार, एएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां आज स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों ने हड़ताल शुरू की। हड़ताल के तहत स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मियों ने काम का ठप कर सीएमओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। चार सूत्री मांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग के संविदा कर्मी हड़ताल पर रहे। हड़ताल में आशा कार्यकर्ता भी शामिल रही। हड़ताली कर्मी समान कार्य समान वेतन आउटसोर्सिंग व्यवस्था पर रोक, संविदा कर्मियों के समायोजन और आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 10,000 रुपये वेतन दिए जाने की मांग कर रहे हैं। संविदा कर्मियों ने मांग पूरी न होने पर हड़ताल जारी रखने का ऐलान किया। एस न्यूज गाजीपुर। मानना यह है कि पीड़ा तो बहुत है और इस पीड़ा के साथ आज उभर के सामने आया है पीड़ा कि हम संविदा कर्मियों का कोई वजूद नहीं है और हम लोग का अस्तित्व मिटते हुए नजर आ रहा है। इसलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हम लोग आवाज़ बुलंद किए हैं कि हमको अर्जेंट करो, परमानेंट करो। और हमारी कोई डिमांड नहीं है, कोई मांग नहीं है, क्योंकि हमको ये नहीं लगता है कि अगर हम 65 वर्ष के बाद रिटायर होंगे तो हम किस काम के रह जाएंगे और हम अपने बच्चे बीबी बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे। आज तो हम नौजवान हैं, आज ठेला खोमचा कुछ भी चला के अपना भरण पोषण कर सकते हैं, लेकिन 65 वर्ष के बाद हमारा जीवन कैसे चलेगा, ये एक प्रश्न चिन्ह हमारे और हमारे परिवार और हमारे इन साथियों के साथ खड़ा है। जबकि टीबी के मरीज के लिए हम लोग अपना जान लड़ा देते हैं कि टीबी फैले ना पाए। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का ये सपना है कि 2025 तक हम टीबी को समाप्त करें, जबकि आज 21 तारीख से लेकर 1 फरवरी तक सक्रिय टीबी खोज अभियान का कार्यक्रम था और हम पूरे प्रदेश में एक संगठित होकर आज उसको हम लोग बहिष्कृत किए हैं, बहिष्कार किए हैं, आज वो कार्यक्रम नहीं चलाए हैं। मुख्य रूप से चार मांगे हैं। सबसे पहली मांग हमारी है समान कार्य समान वेतन। एक ही पद पर अगर कोई परमानेंट कर्मचारी है और अगर कोई संविदा कर्मचारी, तो उसके वेतन मान और मानदेय में जमीन आसमान का अंतर है। पहली मांग हमारी समान कार्य समान वेतन को लेकर है। दूसरा मांग है हमारे जनपद में लगभग 150 कर्मचारी आउटसोर्स अर्थात कंपनी से तैनात हैं, उनको सेवायोजित, उनको या तो DHS से आयोजित कर दिया या परमानेंट कर दिया जाए, मतलब आउटसोर्स और ठेका प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए, उन कर्मचारियों को विभाग में ले लिया जाए। तीसरी मांग है जो भी संविदा कर्मी बहुत दिनों से कार्यरत हैं उनका उन्हीं पद के सापेक्ष समायोजन कर दिया जाए और नवीन पद सृजित किया जाए। और चौथी मांग है जो हमारे यहाँ आशा कार्यकर्त्रियाँ हैं उनको 10,000 रुपये वेतन मान मिले। अगर ये मांगे आप लोगों की पूरी नहीं होते तो आगे क्या करेंगे आप? अगर ये मांगे पूरी तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना अनवरत जारी रहेगा। आज हम लोग जनपद मुख्यालय पर किए हैं, कल हमारे सारे ब्लॉक मुख्यालय पर होगा। इस तरह से क्रम बढ़ता जाएगा जब तक हमारी मांग को मान न लिया जाए। उसके बाद प्रदेश स्तर पर विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है जिसमें हमारे जनपद से लगभग 4,000 लोग उसमें प्रतिभाग करेंगे। इसमें 3600 आशाओं की संख्या रहेगी और लगभग 350 से 400 जो हमारे संविदा कर्मचारी हैं, चाहे वो आउटसोर्स हों या DHS से समायोजित हों या संविदा कर्मी हों, सभी लोग जनपद मुख्यालय से लखनऊ तक कूच करेंगे और अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। और इसके लिए सभी का सहयोग हमारे साथ बना हुआ है, आप देख सकते हैं।